देखिए लाइफ में ना कुछ चीजें होती हैं जो करने पर इंसान को बड़ी खुशी प्राप्त होती है, मन तृप्त हो जाता है, और यकीन मानिए बच्चों को भी ना ऐसी एक ना एक चीज होती है जो बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा? केक खाना मुझे भी पसंद है, लेकिन खा खा के ना हाल क्या होता है बेटा हमारे जैसा होता है। आपको क्या पसंद है? केक खाना पसंद है। अरे बच्चों की खाने की उम्र है आपको। ओ गाना गाना पसंद है, तो हम इनसे गाना सुनेंगे। भैया लॉक कर लिया जाए। मम्मी के हाथ के पराठे मुझे भी बहुत पसंद है। मैं आपके घर आऊंगी, आपकी मम्मी खिलाएगी, पक्का डन है। आपको क्या पसंद है? फोन ज्यादा देर नहीं देखना, आँख खराब होती है। अरे मेरा बच्चा, ये अच्छा बच्चा, पढ़ाई करके खुश होता है। टीचर गाना गाकर, हमें गाना सुनकर खुशी मिलती है। फोन पे इसकी भी पिटाई होगी छोटू से बच्चे की, आंखें खराब होती है। ड्राइंग बनाना, अरे वाह। मम्मी की डांट सुनना अच्छा लगता है। देखिए मम्मी की डांट सुनना सबको अच्छा लगता है, वैसे उस टाइम अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में याद करके बड़ा मजा आता है। तो बस ऐसी ही खुशी होती है जो हर किसी को प्राप्त होती है, और ऐसी ही खुशी मेरे ख्याल से गौतम रोड़े को भी मिल रही है कि वो पहुंचे हैं ढेर सारे बच्चों के साथ एक बड़े ही फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाने। कोई बात नहीं, हम देख कर खुश हो जाएंगे। क्रिसमस के मौके पर गौतम रोड़े पहुंचे हैं मुंबई के एक प्रसिद्ध ट्रेडिशनल थाली रेस्टोरेंट में ढेर सारे बच्चों के साथ। क्रिसमस पर उन्हें भोजन करवाने गौतम और उनका परिवार हेल्पिंग हैंड्स के नाम से एक मुहिम चलाते हैं, जिसके तहत वो जरूरतमंद बच्चों और बुजुर्गों को खुशियां बांटने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं कि जितना टाइम बच्चों के साथ बिता पाएँ, सो वो करते हैं। ये थोड़ा इनिशिएटिव जो उसको ऐसी हेल्पिंग हैंड्स का नाम दे रखा है, ये कोई एनजीओ या किसी चीज़ से एफिलिएटेड नहीं है, ये वैसे ही हम लोग करते हैं। मैं, पंकुरी, मॉम, हम सब मतलब कोशिश करके फैमिली करती हैं सब साथ में। अभी कोई नहीं आ पाया, पंकुरी शूट कर रही है, मॉम घर पर आराम कर रही हैं, सो मैं अकेला आया हूँ। तो यार यहाँ पे ये बेसिकली इस चीज़ में ये करते हैं हम लोग कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उन्हें बाहर लेके जाना, और जहाँ इन्हें भी मज़ा आए, हमें भी मज़ा आए, इनका भी इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, हमारा भी एक तरह से इनके साथ टाइम स्पेंड करने का एक मौका मिल जाए। सो बेसिकली इस इनिशिएटिव में ये मतलब ये बेसिकली छोटा सा इनिशिएटिव इस बारे में। गौतम की इस कोशिश में उनकी पत्नी पंखुड़ी भी बखूबी साथ निभाती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे गौतम अपने डाइटिंग का साथ निभाते हैं। सामने पकवानों की थाली हो और कंट्रोल करना हो तो कितना मुश्किल हो सकता है, मगर गौतम ने ये कर दिखाया। जलेबी पसंद है मुझे बहुत, मगर अब काम आता है पहले, अब बॉडी अच्छी नहीं दिखी तो गड़बड़ है, सीक्वेंस ही वही है, तो इसलिए मुझे सैलेड से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन पानी भी थोड़ा कम है। ऐसे ही है भाई, हम लोगों का काम काम है तो करना पड़ेगा। बच्चों के साथ बातें और मस्ती करते करते गौतम को जो खुशी मिली है, वो चाहते हैं कि कुछ और लोग भी उनके साथ ऐसे ही जुड़ जाएं, ताकि क्रिसमस जैसे त्योहारों पर और ज्यादा खुशी ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग इट यार, अच्छा लगता है। और अगेन कहूंगा कि एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि यार खुशियाँ थोड़ी थोड़ी बांटते रहिए, अपनों के लिए सब करते हैं, थोड़ा उनके लिए कर लीजिए जिनके पास फैमिलीज नहीं है या लोग नहीं हैं। सो उनके साथ करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट में अच्छा लगता है। सो करना शुरू कीजिए, वेट किसकी कर रहे हैं, मेरी, मैंने तो कर लिया, आप भी करिए।
हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस। मुंबई से राज दीक्षित की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।